This video is very special because it's a tour of the best college in India, that is Campus Law Center, Delhi University. This video is about the good, bad and every aspect that CSE has to offer. And the next video is going to be how to get into CSE. This video is going to show you each and every inch of CSE Delhi University. The food court, classroom, auditorium, library, etc, etc, etc. Hi guys, this is Chia and this is CSE for you. When I entered this college for the first time, the first thing that I see is the moot court hall. This is it. Iske bahar aate hi dikha SBI jaisa counter, jo hai kyun pata hi nahi hai. Sab lunch break pe rehte hain yaar. Ek cheez jo bahut badi problem hai, Campus Law Center Delhi University ke saath hi nahi, but pure Delhi University ke saath. Aur wo hai hostel facility ka na hona. सुनना चाहते हो किसी और के मुंह से, लो खुद सीएसई के स्टूडेंट के मुंह से सुन लो। हॉस्टल पीजी के मतलब लॉ फैकल्टी के लिए कोई डेडिकेटेड तो हॉस्टल नहीं है। पीजी के हॉस्टल्स है यहाँ पे 5-6, जुबली, ग्वायर, पीजी मेंस हो गया, मानसरोवर, डीएस कोठारी, इसमें कुछ कुछ सीट है, बहुत ज्यादा तो सीट नहीं है। तो लेट्स से ज्यादा लॉ फैकल्टी से 50 बच्चों को टोटल 50-100 बच्चों को सीट मिल पाती है। बाकी विजयनगर हो गया, हडसन, आसपास के नेबरिंग एरिया में हर जगह आपको फ्लैट रूम पीजी मिल जाएगा। मूड कोर्ट की बुरी हालत देखने के बाद मैंने सोचा आगे बढ़ते हैं लाइफ में, वहां जाते हैं जहाँ बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ के, और हम पहुंचते हैं इस ऑडिटोरियम में। अब बताओ इस ऑडिटोरियम की हालत क्या ऐसी है कि वो बड़े बड़े फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर पाए? रोना नहीं भाई, चलो कुछ नहीं होता, लाइब्रेरी देखने चलते हैं। इस बड़े से विद्या के मंदिर में कम से कम लाइब्रेरी तो अच्छी होगी ना। हम डिस्प्रेशन में है भाई, हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसी लाइब्रेरी में पढ़ के इतने बड़े बड़े लोग CGI बन गए। यस, यहाँ का एलुमनाई बेस इज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। DY चंद्रचूड, दैट इज द CGI, इज एन एलुमनाई ऑफ दिस कॉलेज, और इन बुक्स से पढ़ के वो आगे बढ़े, काफी अनबिलीवेबल है ना। तो फैकल्टी कैसी है ये भी तुम अपने खुद के कानों से सुन लो, वो भी एक स्टूडेंट की जबानी। ये है कि परमानेंट फैकल्टी थोड़ी सी कम है, तो गेस्ट टीचर आते जाते रहते, तो गेस्ट टीचर की क्वालिटी कभी कभी कम ज्यादा होती है, किसी का लगा आदत तो फिर वो निकल के चले जाते। उसके लिए हम ये करते कि हम अपनी क्लासेस अटेंडेंस मेंटेन करने के साथ साथ जो परमानेंट फैकल्टी है या जो हमें अच्छे लगते हैं स्पेसिफिकली, हाँ, टीचर जिनकी, हाँ, टीचिंग हमें समझ आती है, तो उनके क्लासेस कर सकते हैं, तो अच्छा, जो प्रॉब्लम नहीं है। और ये रही क्लासरूम्स काफी स्पेशियस थी, वेंटिलेटेड थी एंड लाइट भी बहुत बढ़िया थी। बेसिक सी बात है, मैं आजकल इस टाइप की क्लासेस को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मोस्टली आजकल की क्लासेस काफी ज्यादा हाईटेक होती हैं, ऐसा लगता है हम लैब में पढ़ रहे हैं। इतना घूम लिया है तो थोड़ा सा साफ पानी तो मैं भी डिजर्व करती हूँ ना, तो सोचा बाहर से जाके बॉटल ही खरीद लेती हूँ। अब हम इतनी सारी बातें कर चुके हैं सीएसई के बारे में, तो अब एक स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू इनके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप और सुन लीजिए। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि क्लासरूम कम से और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई भी स्टूडेंट इसलिए जाना चाहता है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑल ओवर इंडिया इसलिए इतना नाम है, क्योंकि वहां का एक्सपोजर सबसे बेस्ट है। अगर आपकी पर्सनालिटी आपको डेवलप करनी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाओ, ठीक है, आपको एक्सपोजर बहुत मिलेगा। अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब चीजें आपको एक्सेसिबल है। एलुमनाई नेटवर्क यहाँ पे मतलब फायदा हो सकता है, वैसे तो इतना नहीं करते, पर आप खुद जाके अप्रोच करोगे किसी को कि आई एम फ्रॉम लेट्स से कैंपस लॉ सेंटर और लेट्स से लॉ फैकल्टी, तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी वहाँ पे। देयर थिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एनवायरनमेंट यू विल गेट इज अ बेस्ट वन, कि पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड दे आर कोलैबोरेटिंग हियर, सो इट्स लॉ अबाउट नॉट अ सिंपल लाइक सिंगल थिंग, कि लॉ इज लाइक ओनली IPC, इट्स लाइक द आप कितने चीजों को फ्यूज करते हैं, तो वो डाइवर्सिटी हमें यहाँ पे अभी मिलती है। CGI बनना चाहते हो ना, तो उसके लिए तो CLC जाना पड़ेगा,
सीएलसी जाने का रास्ता मैं तुम्हें बता सकती हूँ, कहीं और क्यों भटकना है, सब्सक्राइब कर लो। और जो लोग ऑलरेडी सीएलसी में हैं, वो मुझसे बात कर सकते हैं अबाउट प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स एटसेट्रा। और जो लोग ग्रेजुएशन में हैं एंड एनएलएसआईयू जाके पढ़ाई करना चाहते हैं लॉ की, या एनएलएसआई क्लियर करना चाहते हैं, तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही समय में प्रेप वीडियोज भी आने वाले हैं।